नाजिला से मेरा एक सवाल। नाजिला जो है, अब नाजिला के बारे में जान के मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एक जगह पर, कि भाई नाजिला को यूज़ किया इस आयशा खान ने और उसके दिल दिमाग में मुनावर के खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें भरी और एक इंटरव्यू वायरल करवाई और फिर उसके बाद घर के अंदर आ गई, मुनावर फारूकी को प्यार करने का दावा करती है, जबकि मुनावर फारूकी के करियर की वाट लगा रही है, पनौती बन के बैठी है। अब सवाल मेरा ये है, जो कि जनता हर जगह पर बात कर रही है, कि नाजिला जी, जब आप लाइव आई थी तब उस वक्त आपने बोला था कि आयशा खान को मैं जानती नहीं हूँ, वो कौन है, ये चीज़ आपने बोली लाइव में, और आज एपिसोड में जो है ये बात सामने निकल के आई जब अभिषेक ने बोला कि भाई ये नाजिला से बात करके आई है फ़ोन पे आते वक्त। तो जब फोन पे बात हुई है और आप जब लाइव आई हैं तब आप आयशा खान को जानती ही नहीं हैं, तो आखिरकार सच्चाई क्या है? आप प्रॉपर तरीके से उसके साथ कनेक्ट थी? और आखिरकार आपकी चैट, मुनावर की चैट, मुनावर आपको वापस आने के लिए बोल रहे हैं, जिंदगी में वापस आ जाओ सॉरी बोल रहे हैं, कब आपने फ़ोन किया, कब आपने फ़ोन नहीं किया, कब मुनावर ने फ़ोन किया, ये सब चीज़ें जब आयशा खान को पता है तो आपके अलावा तो कोई और नहीं बता सकता। तो आपने भी 3 साल क्या मुनावर को इसी दिन के लिए प्यार किया था, मुनावर के साथ इसी दिन के लिए आप रही थी, कि मुनावर का जब करियर बहुत ही हाई जाना होगा तब उस वक्त मैं उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे खींचूंगी और मैं जो है उसकी विलन बन जाऊंगी उसकी जिंदगी में? तो यही सिला मिला मुनावर को आपको प्यार करने का सब दुनिया के साथ लड़के, क्योंकि जब लॉकअप में भी थे तो नाजिला को कोई भी पसंद नहीं कर रहा था, सब लोग जो है मुंजली चाहते थे, अंजलि को मुनावर के साथ चाहते थे, ना कि नाजिला को। धीरे धीरे लोगों ने नाजिला को पसंद किया क्योंकि मुनावर फारूकी नाजिला को पसंद करते थे और शादी करने वाले थे, बट इस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। पर क्या यही सिला है? सब चीज़ें झूठी हैं सबकी तरफ से। मुनावर को मेंटली हरास करने के लिए हर कोई ये कदम उठा रहा है, पर मैं तो बस यही चीज़ बोलूँगी कि मुनावर की जनता हमेशा खड़ी रहे मुनावर के लिए। जो जनता अगेंस्ट हुई है उसको रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई समझो। और अभिषेक बंदे ने भाई मेरा दिल जीत लिया, क्या इंप्रेस किया है उसने मुझे। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।